बिलासपुर जिले के सीपत से महज 6 किलोमीटर दूर है कौड़िया। सीपत क्षेत्र के एकमात्र भूगर्भ ले निकले दिव्य शिवलिंग स्वयंभू की महत्ता दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 400 वर्ष पहले ब्रिटिश जमाने से यहाँ मेला लगता है। गांव वालों के अनुसार यहाँ एक बुजुर्ग को सपना आया था कि जमीन खोदने से एक भगवान निकलेगा और वैसा ही हुआ। एक छोटे से दिव्य शिवलिंग दिखा जिसका नाम भूफोड़ शैलेश्वर महादेव पड़ा। बुजुर्गों के अनुसार 400 वर्ष पूर्व गौटियाने शासन से ही मेले का आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में हर वर्ष की तरह इस बार भी आज महाशिवरात्रि से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। कौड़िया मेला पूरे अपने शबाब पर है। यहाँ छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के भी लोग आकर भूफोड़ महादेव का दर्शन कर मेले का आनंद लेते हैं। अधिकांशतः श्रद्धालु यहाँ संतान व वर प्राप्ति की कामना को लेकर जलाभिषेक कर दर्शन पाने पहुँचते हैं। मेले में सभ्यता के साथ साथ लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने पर निपटा जा सके। सुबह से लेकर शाम तक शैलेश्वर महादेव के दर्शन पाने एवं अपनी मन्नत पूरा होने आशीर्वाद की कामना लेकर हजारों की तादाद में श्रद्धालु लाइन में लगे रहे। बोलूं, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस कौड़िये ग्राम कौड़िये में शैलेश्वर महादेव के मंदिर में मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ आना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला लगता है। यहाँ घूमना मेरे को बहुत पसंद है। ये मान्यता है कि जो भी शैलेश्वर महादेव के मंदिर में अपनी पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाता है उसकी पूरी मनोकामना महादेव जी पूरी करते हैं। मेरे को यहाँ आना बहुत पसंद है। मैं हमेशा आती हूँ, अपने परिवार वालों के साथ आती हूँ। करीबन बहुत साल से, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से। हाँ, बहुत इंतजार रहता है। मुस्कान शर्मा। मेला कब से लगता है और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? मेला का बहुत पुराना है, लगभग 400 साल पुराना मेला है। और जो भी मन्नत मांगते हैं, विशेषकर संतान प्राप्ति का, यहाँ पे बहुत फलदायी शिव जी, यहाँ पे शैलेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिलता है। और एक खासियत और है शिवलिंग की, आप जैसे मन में ऐसे देखेंगे ना तो समझ में नहीं आता शिवलिंग पत्थर का है कि लकड़ी का है। आपके मन में जो भाव आएगा कि अगर ये लकड़ी का जैसा लग रहा है तो आप स्पर्श करेंगे तो ना लकड़ी महसूस होगा आपको, और अगर पत्थर महसूस करेंगे तो पत्थर ऐसा है। मेला ब्रिटिश काल से चल रहा है, उस समय जमींदारी प्रथा थी। लोग यहाँ बहुत रहे, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या पंचायत और प्रशासन द्वारा व्यवस्था की? पंचायत से और ग्राम सभा की बैठक लेके एक समिति गठित की गई है जिसमें युवा, बुजुर्ग और महिला तीनों शामिल हैं, और आपसी सामंजस्य से सबको जिम्मेदारी बांटी गई है कि आपको सफाई की व्यवस्था देखनी है, आपको पेयजल की व्यवस्था देखना है, आपको श्रद्धालुओं के भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है। ये सब इस प्रकार से सबको जिम्मेदारी बांटी गई है और टीम वर्क में पूरा काम हो रहा है। उप संपादक समय न्यूज लाइव, प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।